कहते हैं कि बाजी पलटते देर नहीं लगती, राजा को रंक बनते और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो अनुपमा की कहानी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जहां बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है और आ गई है अनुपमा के हाथ में। अब तक तो काव्य और वनराज अपनी मनमानी कर रहे थे, अनुपमा को छोटा समझ रहे थे, वक्त वक्त पर उसे नीचा दिखाते रहते थे, लेकिन इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अनुपमा के हाथ लग चुकी है और उसने अपने आप को साबित करने का पूरा पूरा फैसला कर लिया है। इसी के चलते आने वाला एपिसोड होगा बहुत ही खास, क्योंकि आप देखने वाले हैं अनुपमा का एक अलग ही अंदाज। अनुपमा बॉस बन रही है और वो भी वनराज और काव्या की। ये सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, और जरा सोचिए जब इस ट्रैक को आप अपनी आंखों से देखेंगे तो क्या नज़ारा होगा। वेल, शो का अपकमिंग ट्रैक होगा बहुत ही दिलचस्प, जहां पर वनराज और काव्या फैसला लेंगे कि वो अनुपमा से कोई मतलब नहीं रखने वाले, उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ अनुज कपाड़िया से होगा। और ये जो सीख है वो वनराज को किसी और ने नहीं बल्कि काव्या ने दी है। काव्या ने वनराज से कहा है कि अनुपमा के चक्कर में हम अनुज कपाड़िया से पंगा नहीं ले सकते, वरना हम फाइनेंशियली पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। इसी वजह से वनराज और काव्या अनुज की ऑफिस जाएंगे, उसकी कंपनी में जाएंगे उससे बात करने के लिए और एक नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने के लिए। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि अनुज वनराज और काव्या के इरादों से भली भांति वाकिफ है, इसीलिए वो उन दोनों को अनुपमा के ही अंडर में काम करने की सलाह देगा। जी हाँ, अब अनुपमा बनने वाली है वनराज और काव्या की बॉस। फैसले होंगे अनुपमा के और काम करेंगे वनराज और काव्या। ये सुनकर तो मानो काव्या और वनराज के होश उड़ जाएंगे कि भला हम कैसे अनुपमा के नीचे काम कर सकते हैं। वेल, अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल अनुपमा की कहानी।